फ्रेंड जब तेल डलवा लेते हैं गाड़ी में 18.5 की एवरेज है और लास्ट पॉइंट पे आ गया। देखो रिजर्व में मैंने बहुत चला दी, आई थिंक रिजर्व में मैंने 25-30 किलोमीटर तक चला चुका हूँ। अभी चल सकती है बट पंप मिल गया हमें और कैमरा मैन पंप भी दिखा दो सकते होंगे। अब हम यहाँ तेल डलवा लेते हैं और अभी हम यहाँ पे डलवाएंगे इस पे रफली, देखते हैं 1500 का तेल डलवाते हैं। भाई 1500 का डालना है। फ्रेंड्स हम लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में, ये देखो 1500 का डलवा रहे हैं। बाकी हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं एक आपका होस्ट आज एक और ब्लॉग आपके सामने लेके आया हूँ। हम लोग जा रहे हैं आज अर्टिगा लेके, मारुति अर्टिगा टूर एम स्मार्ट हाइब्रिड। फिर से बोलता हूँ, मारुति अर्टिगा टूर एम स्मार्ट हाइब्रिड, ये रही हाइब्रिड गाड़ी। इसमें सीएनजी नहीं होती है, ये मीन्स एक एक्स्ट्रा बैटरी होती है जो इंजन को बूस्ट देती है और ये पेट्रोल वर्जन है। और इसकी पावर नॉर्मल सीएनजी वाली अर्टिगा से 9-10 हॉर्स पावर ज़्यादा होती है। तो आज हम एवरेज की बात करते हैं। तो हम लोग लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं, सुबह दिल्ली से निकले थे, आज हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ टूवर्ड्स पालमपुर साइड, मीन्स धर्मशाला पालमपुर साइड। हमारा जर्नी टोटल है 470 किलोमीटर के आसपास और अभी तक हम लोग सुबह से 118 किलोमीटर चल चुके हैं और आज दिन है हमारा ये 9 तारीख है, 9 अक्टूबर। और ट्रैफिक रोड पे ज़्यादा नहीं है, ट्रैफिक इज नॉर्मल, ये जीटी रोड है। मीन्स अभी हम लोग पानीपत आने वाला है, पानीपत पे टोल आ जाएगा। और ये देखो एवरेज के लिए जो बना रहे हैं हम लोग, काफ़ी लोग मुझे बोलते थे भैया आपकी स्पीड कम है, 50 है 60 है। देखो ये 80 से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, मैं पूरा एक्सीलेटर दबा दिया, 80 से ऊपर गाड़ी जाएगी नहीं। और अभी माइलेज गाड़ी दे रही है 18.7 पर किलोमीटर। ए रीडिंग में आप देख सकते हो कि गाड़ी 119 किलोमीटर चल चुकी है और अभी जितना ये पेट्रोल टैंक में, देखो टैंक आधा है और ये रेंज 380 किलोमीटर की दिखा रही है और 18.8 किलोमीटर पर लीटर दे रही है और एवरेज बढ़ती जा रही है, मीन्स बढ़ेगी अभी और जब हिमाचल आएगा तो थोड़ी कम हो सकती है, बट अभी बढ़ रही है। तो आज मैं आपको छोटा मोटा अपडेट करता रहूंगा कि एवरेज कैसे जाओ। देखो गियर भी है, देखो 5वां गियर डला हुआ है। गाड़ी में हम लोग टोटल 3 लोग हैं और पीछे डिक्की पूरी फुल है, छत पे तो कोई सामान नहीं, डिक्की फुल है। और एवरेज देखो 18.8 की दे रही है और स्पीड भी वही है, देखो 70-80 क्योंकि काफी जो पुराना ब्लॉग था उसमें काफी लोग बोलते थे भैया स्पीड तो आपकी नॉन एसी। हाँ ये देखो एसी भी चला है, एसी जो है अभी एक नंबर पे रखा है, एसी का बटन ऑन है, दिख रहा होगा साफ साफ। और देखो गियर भी 5वां गियर है, सब कुछ चल रहा है और हाईवे है तो यही छोटा हो। देखो ऊपर देखो टोल, देखो ये देखो अंबाला आ गया, चंडीगढ़ अंबाला 114 किलोमीटर, चंडीगढ़ 152 किलोमीटर और ये पानीपत शुरू हो चुका है, ये देखो दिख रहा है आपको बड़े लक्षणों में। तो यही है और देखो सब कुछ नॉर्मल है, गाड़ी नॉर्मल चल रही है, सीएनजी इसमें कहीं नहीं है, दूर दूर तक इस गाड़ी में सीएनजी का ऑप्शन ही नहीं है और बस यही सब है। स्पीड देखो हमारी एवरेज 80 से ऊपर गाड़ी जाती नहीं है, तभी तक मैं पूरा हाईवे खाली था तो मेरी स्पीड भी 70-80 के बीच में रही थी। 80 रखो आप क्योंकि 80 से ऊपर मैं एक्सीलेटर दबा भी दूंगा ना, खड़ा भी हो जाऊंगा तब भी स्पीड नहीं जा सकती क्योंकि टूर एम है, इस पर स्पीड गवर्नर लगा होता है। और देखता रहो और बाकी मैं आपको और अपडेट करूंगा कि कैसे कैसे होता है क्या क्या। और जिसको नहीं पता ये अर्टिगा ये है, ये देख लो ये सारे पावर विंडोज, इस साइड के शीशा भी देख लो, टैक्सी गाड़ी है, देखो टूरिस्ट लिखा हुआ है और देखो ये भगवान जी की फोटो और ये 5वां गियर लगा गाड़ी में, 5th गियर और टाइम भी आ रहा है 1:41 PM। तो ये जेन्युइन ब्लॉग्स है, कोई वो नहीं है कि मतलब एडिटेड ब्लॉग है या कुछ और है, आप देख सकते हो जो इन गाड़ियों को चलाता है उसको पता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, एवरेज माइलेज सब जेन्युइन है और 380 की रेंज दिखा रही है। तो जब जहाँ पे भी इसकी लाइट जलेगी या लो फ्यूल आएगा, रिजर्व लगेगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने में रिजर्व लगा, कितनी गाड़ी हो गई है। अभी आप लोग देख सकते हो ये रिकॉर्डिंग, नोट कर लो एंड अब शाम को दिखाता हूँ कि कितना चलता है। सो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे ब्लॉग में, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। थैंक्स, बाय बाय। और गाड़ी अभी 143 किलोमीटर चल गया है और अभी मैं आपको आज इसके एवरेज के बारे में बता रहा हूँ गाड़ी की, कि एवरेज कैसे कैसे गाड़ी देती है और कितना कितना है। और आप देख सकते हो, देखो मैं खुद ही गाड़ी चला रहा हूँ आज क्योंकि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, हम लोग टोटल 3 लोग गाड़ी में और लगेज है कुछ। और अभी हम लोग 143 किलोमीटर, मतलब हम अभी करनाल पहुँचने वाले हैं, जीटी हाईवे चला है, आप देख सकते हो, कैमरामैन जरा हाईवे दिखा दो लोगों को। और स्पीड हमारी, हम लोग मारुति अर्टिगा टूर एम लेके आए हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ, मारुति अर्टिगा टूर एम स्मार्ट हाइब्रिड। गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं
और अब हम एवरेज देख सकते हो, कैमरामैन जरा एवरेज दिखाओ लोगों को, लोगों को विश्वास नहीं होता। देखो अभी 19.1 की एवरेज दे रही है, 357 किलोमीटर की रेंज बची है, मतलब जितना पेट्रोल है हाफ टैंकी से थोड़ा सा कम है, 357 चलेगी और 143-144 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एवरेज अभी भी बढ़ी रही है, एक्चुअली स्पीड मेरी यही है 80 की है, क्योंकि 80 से अब ये जा नहीं सकती है। तो काफी लोग मुझे बोलते थे कि आप लोग धीरे चलाते हो तो एवरेज गाड़ी ज्यादा देती है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर चलाने का तरीका होना चाहिए, मैं बिल्कुल हल्के पंजे पे गाड़ी चलाई हुई है, मीन्स एक्सीलेटर में उतना ही दबा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए। और कैमरामैन जरा ग्रीन लाइट दिखा रहा हूँ, ये तो ग्रीन लाइट आप देख रहे हो, ये एक्सीलेटर के ऊपर है। अब देखो मैं एकदम से एक्सीलेटर दबाऊंगा, ग्रीन लाइट पीछे चली जाएगी, वो देखो पीछे चली गई ना। पर इसका मतलब है कि गाड़ी को हम तेल मतलब पेट्रोल ज्यादा दे रहे हैं, इसको कम चाहिए। तो इसी एरो के ऊपर ही, ग्रीन एरो के ऊपर ही आपको रखना होता है, मीन्स ग्रीन एरो, ये छोटा सा एरो, जितना आगे जाएगा जितनी एवरेज अच्छी होगी उतना एरो आगे चलता जाएगा। तो बिल्कुल हल्का पंजा, मीन्स पाँव बिल्कुल हल्का दबाना है, इतना हल्का कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है बिल्कुल हल्का, जिसको सिग्नल चाहिए बस, और गाड़ी की स्पीड मेंटेन रहेगी। और बस यही सब है, और मैं आपको दिन में अपडेट करता रहूंगा। अभी तो देखो 19.1 दे रही है, थोड़ी देर पहले मैंने ब्लॉक किया था तो वो 18.8 थी, अब बढ़ते बढ़ते 19.1 आ गई, तो धीरे धीरे ये अब चलती जाएगी। फिर जब हिमाचल में चढ़ाई उतराई शुरू होगी तो थोड़ा एवरेज कम आ सकती है, बट पॉइंट यही है कि गाड़ियां एवरेज अच्छी देती हैं। और ये सीएनजी तो इसमें है नहीं, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड है, और मारुति अर्टिगा टूर है, 94,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी एक्चुअल रनिंग कर चुकी है, मतलब पूरा पेट्रोल पे ही चली है। तो मैं अपडेट करता रहूंगा, तो प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग में, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं अपडेट करूंगा अभी, आगे टोल आने वाला है और फिर मैं दिखाता हूँ आपको। बाय बाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू चैनल। हम लोग अब अंबाला क्रॉस कर लिया है और थोड़ी देर में हमारा कट आ जाएगा, चंडीगढ़ से पहले ही हम लोग करणपुर रोड आता है वहां से लेंगे, गूगल मैप दिखा रहा है। और अब कैमरामैन जरा इनको दिखाओ जरा एवरेज क्या आ रही है। ये देखो 19.7 की एवरेज है, 268 किलोमीटर का अभी भी इसमें फ्यूल बचा है चलने के लिए जो गाड़ी दे आती है, और 245 किलोमीटर, मतलब जब मैंने लास्ट आपको एक ब्लॉग में अभी जो बनाया था पिछला जो शॉट था उसका 100 किलोमीटर तक गाड़ी चल चुकी है, 19.6 की एवरेज है, मतलब जो दे रही है, और अभी भी टैंक हाफ से थोड़ा सा नीचे आया है। बाकी देख लो आप, गाड़ी में हम लोग तीन लोग ही बैठे हैं, सामान है और स्मार्ट हाइब्रिड है, नो सीएनजी, मारुति अर्टिगा स्मार्ट हाइब्रिड। और एवरेज आपको दिखा दिया मैंने, 19.6 दे रही। काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि स्पीड कम है, स्पीड कम है, अभी ट्रैफिक था तो स्पीड 60 की है, अभी देखो मैं फिर 70-80 पे गाड़ी चलती है हमारी नॉर्मल, और इतनी एवरेज आती है। और टाइम वही लगा है दिल्ली से जो नॉर्मल लगता है, 4.5 घंटे लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते, और टाइम में कोई वो नहीं है। और अभी आप अभी कहना आप आगे ट्रैफिक जाम मिलेगा तो जाके फिर इसकी माइलेज गाड़ी की गिर सकती है। और बस यही सब है, और कैमरा मैन एक बार फिर दिखा दो जरा फोकस पे, और आगे भी दिखा दो, आगे ट्रैफिक भी है, नहीं तो लोग बोलेंगे स्पीड कम है। देखो बस चल रही है ना, और स्पीड अब 60-70 मतलब इस रेंज में, बट 80 पे चला के लाए हैं पीछे से, और 80 पे चलती आई है तभी एवरेज इतनी दे रही है। और अगर 60 पे चलाऊंगा तो ग्रीन लाइन देखो कितनी आगे है, 60 पे चलाऊंगा तो एवरेज ये 22-23 की दे देगी, बट उतना टाइम नहीं है। और बस यही सब है, बाकी मैं अपडेट करूंगा। और अभी अब पहाड़ों पे भी गाड़ी जाएगी है, पहाड़ों पे कितने चलता है, फिर पहाड़ों की एवरेज भी आपको बताएंगे कि कितनी होती है कितनी देती है। और चलो आगे अपडेट करता हूँ मैं आपको, आगे का दिखाऊंगा। चलो फ्रेंड्स बाय, नेक्स्ट एक और शॉट बनाएंगे फिर करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट थोड़ा दिखाना पड़ता है ना। और कैमरामैन मेरा एक्सीलेटर भी दिखा दो उनको, वो देखो एक्सीलेटर देखो बिल्कुल हल्का सा पंज है, अगर मैं देखो इतना दबा दूंगा तो गाड़ी स्पीड पकड़ने में तेल की जाएगी, तो ये एक्सीलेटर बिल्कुल ऐसे आराम से दबाना होता है, बिल्कुल प्यार से मक्खन की तरह, इलेक्ट्रॉनिक एक्सीलेटर है। और कैमरामैन गियर दिखा दो, ये डाल दिया हमने पाँचवा गियर, फिफ्थ गियर, और देखो एसी भी ऑन है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और गाड़ी देखो 19.6 की एवरेज दे रही है और 70-80 की एवरेज है, मतलब अभी तो ट्रैफिक आ गया तो स्पीड कम है, नहीं तो स्पीड 80 की तक, 80 से ऊपर जाती नहीं है टूर है मैं एक्चुअली। तो आगे मैं आपको अपडेट करता हूँ कि कितना माइलेज कितना में और मिलता है, और फिर मैं आपको आगे का ब्लॉग लाऊंगा, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आज तो रात के 8-9 बजेंगे घर पहुँचते पहुँचते, तो फ्रेंड्स अगला फिर से एक नया शॉर्ट फिर बनाते हैं, प्लीज़ बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डी नॉट कोटर। अब ट्रैफिक मिल गया हमें थोड़ा, अभी हम डेरा बस्सी से पहले ही हैं, देखो ट्रैफिक भी है, मतलब ऐसा नहीं कि रोड खाली होते हैं, पीछे तो खाली था नो डाउट, बट ट्रैफिक नहीं मिला, बट अब देखो ट्रैफिक मिला है तो एवरेज जो धीरे धीरे पॉइंट्स कम होंगे। अब कैमरा में जरा एवरेज दिखा दो जनता को, अभी देखो फर्स्ट गियर डाला है गाड़ी में, वो अपने आप आ जाता है, और 19.5 की एवरेज दे रही है, और देखो गाड़ी कैसे रुक रुक के चल रही है। देखो आरपीएम देख सकते हैं ना, ये हमारा ये स्पीड जीरो हो गई और आरपीएम चल रहा है,
ये देखो आगे आगे दिखाना, ये देखो ट्रैफिक है, मतलब धीरे धीरे चल रही हैं गाड़ियाँ और ट्रैफिक लगा हुआ रोड पे, तो मींस ये मिक्स एवरेज रहती है 19.5। अगर ऐसे ट्रैफिक में चलता रहा तो एक दो पॉइंट कम हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि 19.5 से सीधा 12-13 की एवरेज आएगी, जैसे ड्राइवर्स कहते हैं ना कि भाई एवरेज नहीं दे रही एवरेज नहीं दे रही, तो ये आप देख सकते हो कि ट्रैफिक जैम में भी है बट अगर एवरेज पीछे से गाड़ी ने 200 किलोमीटर तक मेंटेन करके लाई है तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गियर दिखाना कैमरामैन, फर्स्ट गियर डाला हुआ देखो गाड़ी में, फर्स्ट देखो यहाँ मीटर दिखाना, मीटर में देखो यहाँ आ जाता है, ये देखो फर्स्ट गियर है, मतलब गाड़ी चल रही है 19.5 की एवरेज और नीचे 235 की अभी रेंज दिखा रही है, तो जैसे जैसे एवरेज कम होगी या ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगा तो फिर इसकी जो रेंज है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि रेंज उसी हिसाब से दिखाते हैं। और ये लाइव चल रहा है पूरा लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मीन्स ये बाद में आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी बट हम लोग लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको रियल टाइम पे। अभी लगता है जाम बंद लंबा, यहाँ दिखाना जरा इसमें मैप में, ये देखो ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है, ये पूरा ऑरेंज ऑरेंज है, ये रेड ऑरेंज हो जा रहा है लाइन, तो ये इसमें अभी लगेगा आधा पौना घंटा शायद, तो ऐसा है। ट्रैफिक में भी फंसे हम लोग, चलो फ्रेंड्स आगे अपडेट करता हूँ मैं आगे आपको। हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक, हम लोग हिमाचल एंटर कर चुके हैं, हम लोग एक्चुअल में मनाली वाले रोड से जा रहे हैं, तभी मनाली की चढ़ाई टनल्स क्रॉस करके अब हम डाउन में जा रहे हैं, और एवरेज कैमरा मैन जरा एक एवरेज कब दिखा दो, अभी 18.6 की एवरेज दे रही है गाड़ी, क्योंकि चढ़ाई उतराई आ रही ना तो एवरेज कम हो रही है, 18.6 80 किलोमीटर की रेंज रह गई और गाड़ी सुबह से लेकर अब तक 374 किलोमीटर चल गई है, तो मतलब मैं एवरेज 141 किलोमीटर जब से थे ए रीडिंग तब से वीडियो बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, और अभी एवरेज ठीक है गाड़ी की, अभी तो देखो 18.6 है, अभी घर पहुँचते पहुँचते लगेगा पता कितना है, और ये रोड देख लो आप रात का व्यू मनाली रोड का, मनाली हाईवे का, अभी भी ट्रैफिक है रनिंग में और चल रही है गाड़ी, देखो स्पीड देखो वही है, कैमरा मैन जरा स्पीड भी बता दो, नहीं तो लोग कहेंगे स्पीड नहीं है, देखो अभी पहाड़ी में भी 80 की स्पीड पर गाड़ी चल रही है और 18.6 की एवरेज है और एसी में चल रही है गाड़ी अभी भी और फिफ्थ गियर डाला हुआ है, तो गाड़ी एवरेज सही दे रही है, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड और सब कुछ सही चल रहा है गाड़ी का, बाकी आपको अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिए ब्लॉक में और मज़ा लीजिए रात का। देखो ये मनाली हाईवे है और ये टनल, तीन टनल आती है शायद, ये तीसरी टनल भी आ गई, टनल नंबर 3। देखो टनल्स मनाली जाते हैं तो टोटल अभी मंडी तक 5 टनल आती है, फिर मंडी आके 3-4 और टनल आएंगे। टनल क्रॉस करते हैं थोड़ा रात को देखते हैं, चाय वाय पीने के लिए रुकेंगे क्योंकि सुबह 12 बजे से चले हम नोएडा से, सुबह मैंने इसमें 2000 का पेट्रोल डलवाया था और अभी 85 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, बट थोड़ी देर में कह देंगे इसका लाइट जल जाएगा लोग बिल्कुल, तो हम पेट्रोल डलवा लेंगे, और अभी मेरा जो घर है यहाँ से 100 किलोमीटर रह गए, मुझे अभी 2.5 से 3 घंटे और लगेंगे घर पहुँचने में, बाकी मैं अगर रात को हुआ तो रात को फिर से अपडेट कर दूंगा, नहीं तो सुबह तक अपडेट कर दूंगा कि फाइनली गाड़ी ने कितने एवरेज में यहाँ तक गाड़ी पहुँचा दी, एंड ये टूर एम है मारुति अड्डे का हाइब्रिड। तो फ्रेंड चलो अब टनल खत्म हो गया है, रनिंग ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी थोड़ा बहुत है, स्पीड कम हो रही है और मैं आगे फिर आप अपडेट करता हूँ आगे आप लोगों को, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए एंड देखते रहिए, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अब हम लोग मतलब पूरा हिल स्टेशन ही घूम रहे हैं, अब हम लोग हमीरपुर पहुँचने वाले हैं, तो जिन लोगों को हमीरपुर के बारे में पता होगा कि पूरा चढ़ाई उतराई ऐसा चल रहा है और गाड़ी का रिजर्व लग गया है, कैमरा मैन जरा मीटर दिखाना, देखो गाड़ी ने एवरेज दी है हमारी 18.4 के आसपास, मतलब और अभी थोड़ी देर पहले रिजर्व लग गया है, वो देखो येलो लाइट ऑन हो गई है, तो वन टाइम क्या होता है ना स्क्रीन के सेंटर में लो फ्यूल आ जाता है लिखा हुआ, अब लो फ्यूल की जगह 3 डैश डैश आ रहे हैं, लो फ्यूल अभी मतलब हो चुका है, अब मैं गाड़ी अगर चाबी ऑफ करता हूँ तो दोबारा लो फ्यूल आएगा, और अभी हम सुबह से लेकर 417 किलोमीटर चल चुके हैं और ये रात हो चुकी है, अब हम लोग कहीं फ्यूल डलवाएंगे और मेरे को लग रहा है कि 18.4 है तो घर तक पहुँचते पहुँचते वही 18 या 17.5 तक आ ही जाएगी, बाकी परफॉर्मेंस गाड़ी की बिल्कुल सही है, पूरा है मैटी का स्मार्ट हाइब्रिड, और सुबह से देखो मैं आपको अपडेट कर ही रहा हूँ, आज का जो ब्लॉग था स्पेशल वही था कि गाड़ी एवरेज कितनी देती है, कितने मतलब लोग कहते हैं ना कि मेरी तो 11 की दे रही है, मेरी 12 की दे रही है,
तो अगर आप लॉन्ग रूट्स पे लेके आते हैं तो गाड़ी अच्छी एवरेज है। और ये तो बल्कि हम हाईवे से प्लेन से चले हैं और अब पहाड़ी मतलब हिल्स पे चढ़ रहे हैं, तो हिल की हिल्स आपको पता ही है कैसी है। बट एनीवे जो भी है बहुत अच्छा है, आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा और भविष्य में हम आपको और अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। बाय बाय।